मैडम सामने देखो पूरे जीवन यही आठवीं हो गया जाओ जाओ जल्दी जाओ जाओ अभी आप जाओ आप जाओ अभी सर बताइए आज नगर निगम के कर्मचारियों का सम्मान करा क्या है। बहुत ही खुशी की खबर है कि आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिवस पर स्वच्छता को लेकर के देवास शहर के लिए बहुत बड़ी खबर आई है और वो ये है कि 1,00,000 से 3,00,000 की जो जनसंख्या है उसमें प्रथम स्थान और इस मौके पर हमारे मोहल्ले के सभी सामाजिक बंधु और नगर निगम की टीम ने मिलकर जो स्वास्थ्य कर्मचारियों का सॉरी स्वच्छता कर्मचारियों का सम्मान किया है वो बहुत ही अच्छा एक कार्य रहा है क्योंकि ये दिन बापू भी चाहते थे कि हर जगह स्वच्छता हो और ये दिन इससे उपयुक्त कोई दिन हो नहीं सकता था इन सभी स्वच्छता कर्मचारियों के सम्मान के। एक चीज़ ये भी है कि आज जो समाज के लोगों ने आज हड़ताल भी रखी कर्मचारियों ने दरोगों को लेके भी क्या कहना चाहिए जो जब कई जगह कचरा पड़ा कहीं नहीं पड़ा। दायित्व उन्हें अपना अच्छी तरह से निभाना चाहिए और चूंकि दायित्व निभाया गया है इसीलिए आज देवास का नंबर 1 है। यदि मुझे लगता है कि दायित्व नहीं निभाया गया होता तो देवास नंबर 1 पे नहीं आता। आपका नाम बताओ। हेमंत वर्मा, पूर्व अध्यक्ष रह चुका हूँ रोटरी क्लब का, वर्मा क्लासेस देवास। बताइए सुताल वाकल में आज सम्मान हुआ नगर निगम से क्या है पूरा? ये गांधी जयंती के उपलक्ष्य में आज हम लोगों ने स्वागत समारोह कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया था। इसमें क्या है कि हमारा जो देवास शहर है 1,00,000 से 3,00,000 की पॉपुलेशन के उसमें आता है और इसमें गंदगी भारत छोड़ो के अंतर्गत देवास ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसमें हमारे जो सफाई मित्र हैं उनका हम लोगों ने उनका उत्साह बढ़ाने के उद्देश्य से ये कार्यक्रम यहाँ पर इनका रखा गया है और इनका स्वागत किया गया है नागरिकों के द्वारा क्योंकि सफाई में और इसमें हमको आगे और भाग लेना है आगे और हिस्सा लेना तो हम लोग को नागरिकों के बगैर और हमारे सफाई मित्रों के बगैर ये कार्य पूरा अधूरा है। लेकिन जब तक इन दोनों का सहयोग हमको नहीं मिलेगा तब तक हम लोग ये कार्य करने में नहीं कर पाएंगे तो हमको दोनों का सहयोग चाहिए, नागरिकों का विशेष रूप से सहयोग चाहिए। कचरा जो निकलता है गीला सूखा अलग अलग करें, हमारी कचरा गाड़ियाँ घूमती है उनमें डालें, बस यही मेरा अनुरोध है। आपका नाम? मेरा नाम RS केलकर, स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम।